तो आज काम से छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन नॉर्मली बोर होता है, तो करने को कुछ खास था नहीं। एक ऐसे बोरिंग सा डे था, तो मैंने कहा चलें टाउन चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। और हमारे साथ आज वापस आ गई हैं बानो। बानो पाकिस्तान गई थी कराची, तो बानो बर्मिंघम याद आया आपको जाके? बिल्कुल भी नहीं याद आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया पाकिस्तान में शाम भाई, लेकिन मेरा बहुत शॉर्ट ट्रिप था, मैं जल्दी आ गई। तो देखा आपने कि बर्मिंघम से जो एक दफ़ा चला जाए उसका दिल लग जाता है हमेशा से। अब बानो वापस आ गई है, तो हम टाउन जा रहे हैं, थोड़ी शॉपिंग करनी है और फिर एंड ऑफ द डे होगा। तो थोड़ी सी थी, ज़्यादा करनी नहीं थी। हम आए थे आज सनी डे हैं, तो विक्टोरिया स्क्वायर बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद हुई हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी क्या प्लान है मानो, आगे कहाँ जाना है? मुझे तो भूख लग रही है अभी से। जब तक धूप है भूख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि धूप में हमने सारी फोटोज़ भी लेनी है और वीडियो भी बनानी है। जा रहे थे, लेकिन बानो ने मुझे कुछ नई स्ट्रीट्स दिखाई हैं और रुलते रुलते हम आ गए पिजन पार्क में। तो ये पिजन पार्क है इधर, काफ़ी फेमस है बर्मिंघम में, काफ़ी रश रहता है पॉलमोर स्ट्रीट के सामने बिल्कुल। और एक कैथेड्रल भी था वहाँ, सर्विस हो रही थी, हम गए थे देखने, लेकिन उन्होंने हमें शूट करना अलाउ नहीं किया। यहाँ से कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, बस हम रुल रहे हैं बर्मिंघम की स्ट्रीट्स में, टाउन सेंटर में, लेकिन मज़ा बहुत। अच्छा बानो, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताता हूँ, कहीं पर जाओ आप और कोई पिक्चर वगैरह बनाने लगो तो ये ग्रुप के सारे लोगों को याद आ जाता है कि उनके पास भी कैमरा है और वो भी पिक्चर्स ले रहे हैं और उनके कैमरे खुल जाते हैं। ऐसा होता है तुम्हारे साथ? हुआ है कभी? बहुत दफा। मेरे साथ हमेशा होता है। बर्मिंघम की मुख्तलिफ गलियों में और वहाँ से पिजन पार्क रुलने के बाद अब हम आ गए फूड ग्रैंड सेंट्रल में। ग्रैंड सेंट्रल जो है वो न्यू स्ट्रीट स्टेशन था, और अब यहाँ पर इन्होंने बहुत फूड कोर्ट और एक शॉपिंग मॉल सा बना दिया। बानो भूख लग रही है, कुछ खाने का है इंतज़ाम या नहीं? में अभी आपकी बर्फी तुम्हारी आई थी बानो, खत्म हो गई सारी पाकिस्तान में। बानो खाना खिला रही है और उसके बाद आप डिज़र्ट खिलाओगे? चलो ठीक है, आइसक्रीम मेरी तरफ। जी नहीं, आइसक्रीम नहीं खाएंगे हम। मानो ये जो खाने का कह के तुमने मुझे बकेट खिलाया ना, उसका तेरा अलग से हिसाब होगा। बहुत मज़ेदार, खा के देखो।